इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी से नेता साजिद सैफी, जो कि एक समाज सेवी है। किसी की भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उसका समाधान निकालने के लिए अनेक रूप से प्रयास करते रहते हैं और उनकी बात को प्रशासन तक पहुँचाते हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाए। क्या कुछ कहते हैं, खास बातचीत करते हैं। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास आए। और सबसे पहली बात यह है कि मैंने सेवा करी है लोगों की, और इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं, भैया दोस्त, दिवाली, छठ पूजा और भी हैं, मैं उन सब की, इन पूरे अपने कॉलोनी वासियों को, पूरी अपनी विकास, पूरी विधानसभा को, पूरी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं। जैसे कि पता चल रहा है कि कोरोना चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें और मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। मैं साजिद सबसे सवाल करूंगा, कोरोना काल के दौरान यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महेंद्र सिंह यादव, तो क्या कुछ उन्होंने जनता के लिए काम किया है ताकि जनता का भला हो सके? सर देखो, वो जो दिल से काम करे वो नाम महेंद्र यादव, वो विधायक ऐसा है कि उसको आधी रात बुलाओगे तो वो तब भी हाजिर हो जाएगा, और पूरी रात और दिन उसने पब्लिक के लिए काम करा है। स्कूलों में खाना बटा है और उनके ऑफिस में खाना बटा है, कच्चा राशन बटा है, और जो भी जनता जैसी पब्लिक जिस तरीके की हेल्प लेने गई है वो उन्होंने उनकी समस्याओं को दूर करा है। जी, अभी आपने बताया कि हाल ही में आपकी रसोई भी चालू की है, तो उसमें क्या कुछ है? सर देखो, विकास, एक विकास नगर बहुत बड़ा है और ज़्यादातर वहाँ पे झुग्गियों वाले लोग रहते हैं, तो गरीब लोग हैं, खाने के लिए पैसे नहीं होते, सिर्फ 35 रुपये में भरपेट खाना, 35 रुपये में भरपेट खाना। तो मैं तो ये कहूँगा कि विधायक जी बहुत 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 अच्छा काम कराएं, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और कोशिश करेंगे कि ये विधायक जी पूरी विकास, पूरी विधानसभा के अंदर हर जगह ऐसी रसोई खोलें ताकि हर गरीब का भला हो जाए। आपका, मैं अगर क्षेत्र की बात करूँगा तो यहाँ पे लोग जागरूक हैं, मास्क पहनने को लेकर, हाथ धोने को लेकर, सामाजिक दूरियों का पालन करने को लेकर। सर टाइम टाइम पे यहाँ सैनिटाइज़र होता रहता है, फॉगिंग होती रहती है, मच्छरों की दवाई भी डलती रहती है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे, तो उस चीज़ को वो अभियान चलाते हुए इस कानून का पालन भी हो रहा है और लोग पालन भी कर रहे हैं। अभी एक MOU भी चलाया है उसके प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने, जी, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसी लाल बत्ती ऑन होती है तो अपनी गाड़ी के इंजन ऑफ कर दो, क्या ठीक, कितना ठीक मानते हैं इसको? सर बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि ये पहले शिक्षा मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं जो इन्होंने सिर्फ शिक्षा के ऊपर काम करा, जनता के लिए हॉस्पिटल में काम करा, ऐसा काम किसी ने नहीं करा, और मैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। एक एक शिक्षा मंत्री खुद लाइव लेबर कोर्ट पे जाके खड़ा होता है कि कोई दलाली नहीं, लाइव वीडियो। ऐसे और भी बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दलाली होती है, चाहे हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, चाहे हम स्कूल में बच्चे को दाखिले की बात करें, वहाँ भी ऐसे कहाँ कर दलाली की जाती है, पैसा खाया जाता है। सर सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी जो हमारे दिन बाकी बचे हैं और आगे भी हम बढ़ेंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द दलाली ख़त्म हो। हमारा मकसद है कि गरीब का बच्चा कभी ये ना सोचे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, वो पढ़ेगा भी और डॉक्टर भी बनेगा। मैं आपको विकासपुर विधानसभा की बात करूँगा तो यहाँ पे कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं, वहाँ पे वो किस रूप से यहाँ पे काम हो रहा है, दवाइयों को लेकर, टेस्टिंग को लेकर? सर मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे हैं विकासपुरी विधानसभा के अंदर, और जल्द ही एक ओम विहार फेस 5 में भी खुलेगा। मैं आपके चरण के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द एक मोहल्ला क्लिनिक ओम बिहार फेस 5 में भी खुलेगा, और बहुत अच्छा काम चल रहा है, कोरोना टेस्ट फ्री है, सब चीज़ फ्री है, सब चीज़ को देखते हुए 20 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट दे रहे हैं, और जो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को हॉस्पिटल में नहीं भेज रहे। क्षेत्रवासियों के लिए कहना चाहेंगे आप सभी के लिए? क्षेत्रवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मैंने बोला जो दिल से काम करे वो नाम महेंद्र यादव, आपको ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। साथियों,
ऐसा विधायक आपको नहीं मिलेगा, आप उनका ख्याल रखें और जो भी समस्या है आप मेरे को बताएं, मेरे ऑफिस पे आए या मेरा नंबर ले लें या विधायक जी का नंबर ले लें, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।